हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको तंदूरी दूध बनाना सिखाती हूँ जो घर पे बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिसको बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको भी ये दूध बहुत अच्छा लगता है और ये दूध बनाना भी बहुत आसान है। ये दूध मुश्किल से 10 मिनट में हमारा रेडी हो जाएगा। पहले हम एक मिट्टी की मटकी लेंगे जिसको हम गर्म करेंगे। ये देखिए, हमने मटकी को गैस पे चढ़ा दिया, वो अब गर्म हो रही है और इधर अब हम दूध भी गैस पे पकने के लिए रख रहे हैं। ये हमारा 2 कप दूध है। जिसमें हम 1 चम्मच केसरिया मिल्क पाउडर डाल रहे हैं और ये हमने कुछ काजू और बादाम थोड़े काट के रखे हैं, वो हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। अब हम इस दूध में 2 चम्मच चीनी डाल दे रहे हैं। इसे मिट्टी की मटकी है जो हमने अच्छे से धो के साफ कर ली थी। मटकी जब गर्म हो जाएगी तो उसका रंग भी बदल जाएगा। हमारा दूध भी खौल रहा है, बस दूध में उबाल आने वाली है, इसको फिर हम धीमा कर देंगे। देखिए, केसरिया मिल्क पाउडर डालने से भी हमारा दूध कितने अच्छे कलर का हो गया। आप चाहें तो इसमें केसर की भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं और चीनी अपने हिसाब से तेज या कम। आपको ज़्यादा मीठा लेना हो तो ज़्यादा चीनी और कम तो कम चीनी, और अपने दूध को थोड़ा चला लीजिए बीच में ताकि वो लगे नहीं, वो अच्छे से इसमें उबाल आ जाए। अच्छे से उबाल हो गई है, इसको हम एक जार में निकाल लेंगे। और उधर मटकी भी मेरी अच्छे से गर्म हो गई है। मटकी को भी इसमें बड़े बर्तन में एक रख लेंगे ताकि हमारा दूध इसी में ही गिरे। और जो आज हम दूध बना रहे हैं इसको आप स्मैक का दूध भी कह सकते हैं, तंदूरी दूध भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारा केसर या दूध और जब इसका पूरा ये अच्छे से उबल जाए तब आप इसको वापस जार में डाल के सर्व कीजिए। अब हमारा दूध तैयार है, अब हम इसे वापस जार में रख लेंगे। अब हमारा केसरिया दूध तैयार है। इसको आप चाहे कुल्हड़ में सर्व कीजिए या ग्लास में, हम इसको कुल्हड़ में सर्व कर रहे हैं। इसमें पीने से इसका स्वाद और भी अच्छा लगता है। इसको हम कुल्हड़ और ग्लास में सर्व करें ताकि ये देखने में और अच्छा लगे। देखिए हमारा दूध कितना अच्छा लग रहा है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है। ये रेसिपी को बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं और बढ़िया घर में तंदूरी दूध तैयार है।